You are watching News DNN Bulletin. Get all the updates, national, international, politics, sports, entertainment and lifestyle information, only with News DNN. नमस्कार, न्यूज DNN की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगरा के जूता कारोबारी के परिवार में 6 लोगों में कोरोना वायरस मिला है। बुधवार को पुणे स्थित राष्ट्रीय विष्णु विज्ञान संस्था से रिपोर्ट आने पर इसकी पुष्टि हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस COVID-19 को लेकर फैली दहशत के बीच देश में एक ही दिन में 23 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें आगरा के एक ही परिवार के 6 लोगों सहित 7 भारतीय नागरिक और इटली के 16 पर्यटक हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को भाजपा विधायक एवं खनन के बड़े कारोबारी संजय पाठक को सहकृत्ता 2 लोह आयसक खदानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बंगाल में रहने वाले सुनील कर्माकर उस समय दंग रह गए जब उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड में अपनी जगह कुत्ते की फोटो छपी हुई देखी। उन्होंने भारतीय निर्वाचन आयोग के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत एक मुहिम के तहत बड़ी तैयारी करने जा रहा है। भारतीय बीमा विमायक एवं विकास प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों से ऐसी पॉलिसियां लाने को कहा है जिनमें कोरोना वायरस के इलाज का खर्च भी कवर हो। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने एक लिखित जवाब में बुधवार को लोकसभा में बताया कि बीते 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश यात्राओं पर 446% 52 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसमें चार्टर्ड विमानों पर हुआ खर्च शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 1984 सिख दंगे के एक मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व कांग्रेसी नेता संजन कुमार को चिकित्सक जांच के लिए गुरुवार को एम्स ले जाने का निर्देश दिया है। धीरे धीरे ही सही उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में जिंदगी लगभग पटरी पर लौट आई है। सबसे अधिक प्रभावित शिव विहार में भी बुधवार को हालात सामान्य दिखाई दिए। मंगलवार को GTB अस्पताल में जमालुद्दीन नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच महिला विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। पहली बार फाइनल में जगह बनाने की कोशिश में जुटी हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में अपने 4 मैच जीतकर टॉप पर है। अजय देवगन की फिल्म तानाशाही जी अनसंग वॉरियर्स में सैफ अली खान ने उदय भान राठौर का किरदार निभाया था। उनके रोल की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन सैफ के एक बयान ने इस फिल्म को लेकर विवाद पैदा कर दिया है। सैफ ने कहा था कि तानाजी में इतिहास की गलत व्याख्या की गई है। इसके बाद खबरें आई हैं कि अजय देवगन और सैफ के बीच विवाद हो गया है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल न्यूज DNN बाय क्लिकिंग द बेल आइकॉन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।